बजाज लिमिटेड कोला में आज भी किसान आंदोलन जारी। डीएम एसपी किरी धरना स्थल पर पहुंचे, बेनतीजा रही वार्ता। क्रेशर कोलू बालों ने गन्ने के रेट घटाए, नहीं थम रहा चीनी मिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा। पूरा बकाया गन्ना भुगतान लेने के बाद ही धरना समाप्त करने पर अड़े किसान। भीरा में किसानों ने निकाली बैलगाड़ी रैली। जनपद लखीमपुर खीरी बजाज ग्रुप की चीनी मिलों द्वारा गत वर्ष खरीदे गए गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं किए जाने के बाद आक्रोशित किसानों ने जहां पलिया कला की चीनी मिल प्रबंधन पर FIR दर्ज करवा दी है, वहीं गन्ने की सप्लाई भी रोक दी है। आज भीरा कस्बे में भी किसानों व आप पार्टी एवं नई क्रांति पार्टी के लोगों ने बैलगाड़ी रैली निकालकर अपना विरोध जताया। गोला में भी चीनी मिल गेट पर आज हजारों किसानों ने मिल गेट पर धरना दिया। दोपहर में जिलाधिकारी खिरी व पुलिस अधीक्षक खिरी गोला मिल गेट पर धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराना चाहा, लेकिन किसान पहले पूरा भुगतान कराए जाने और बाद में धरना समाप्त करने की मांग पर अड़ गए हैं। चीनी मिल बंदी एवं किसानों की मजबूरी का फायदा स्थानीय क्रेशर कोलू मालिकों ने गन्ना खरीद के दाम घटा दिए हैं। अपने एक एक दो दो ट्राली भर के लाओ, चाहे कितने भी दिन लगे, हम लंगर पानी दूध जो है हमारा खालसा पहुंचाने के लिए तैयार है। हम लोग लंगर पानी लेने के लिए खालसा हमारा तैयार है। मोर्चे पर भाइयों लोगों पीछे मत हटना, हर गांव से एक एक दो दो ट्राली बोला की एकदम बंद कर दो पूरी रास्ते, जब कल ही कोर्ट अपने सामने बोलेंगे हम पेमेंट देंगे। हाँ, किसानों के लिए गोली रखने खाने के लिए तैयार हैं साहब जी। मेरा नाम राजकुमार यादव, मैं ग्राम भरीगवा से बोल रहा हूँ। हमारी परेशानी ये है कि हमारा जो गोला चीनी मिल है वो 3 तारीख को बंद हो गया था। इसलिए बंद हुआ क्योंकि वहाँ पर पेमेंट नहीं मिल रहा था। 25 दिसंबर का पुराना पेमेंट चल रहा है इस वर्ष, और आज तारीख है 4 तारीख है 4 दिसंबर, पिछला वाला पेमेंट भी 25 दिसंबर का चल रहा है। और ये पोजीशन है कि किसान यहाँ पे अपना खर्चा, हमारा पड़ोस में गांव नौवा खड़ा है, उसमें एक पौवा लगा हुआ है क्रेशर, उस पर गन्ना बेचते हैं 150 रुपये क्विंटल पर। यहाँ पर खरीद हो रही है 150 रुपये क्विंटल पर खरीद हो रही है, इसलिए बेच रहे हैं पौने नौ में 150 में, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी दादा किया था हमसे, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये इतना झूठ बोलती है कि हो सकता है कोई व्यक्ति, इतनी सरकार आई यहाँ पे, कोई झूठा वादा नहीं किया। क्योंकि इसने कहा था कि 15 दिन में हम पेमेंट दिलाएंगे, और 15 दिन के चक्कर में करीब डेढ़ साल हो जाते हैं पेमेंट नहीं मिलता है। और मैं मुजीबुर रहमान, ग्राम परसड़िया पोस्ट हजार, जिला लखीमपुर खीरी, मैं अपना गन्ना आपूर्ति करने के लिए मिल आया हूँ। ये मिल वाले पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हम किसान भाई जब तक ये पेमेंट नहीं देंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं बगैर पेमेंट लिए अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। ये हमारा गन्ना उधार लेते हैं और अपनी खाद की बोई देते हैं, तो ये हमसे 16% का ब्याज लेते हैं। और अपने हम किसान भाई अपना जेवर रख कर और बढ़िया से पैसा लेते हैं, और तब भी हमारी सुनवाही नहीं करते हैं। अतः हम सभी किसान भाई एकजुट होकर के कसम खाते हैं कि इनसे पेमेंट लेकर के ही वापस जाएंगे। जब तक पेमेंट नहीं, तब तक हम अपने घर नहीं वापस जाएंगे। हमारे बीच में अभी 2 बार DM साहब, SP साहब और CDO साहब आ चुके हैं, 2 बार वार्ता हुई है, वार्ता बेनतीजा रही है। अब हम किसान भाइयों ने निर्णय लिया है, हम उनके साथ में हैं, उनकी सहमति से फैसला हुआ है कि जब तक हमारा संपूर्ण गन्ना भुगतान किसानों के खातों में नहीं पहुंचेगा, और चीनी मिल गोला को जो गोला के विरुद्ध जो तहरीर दी गई है उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हमको नकल नहीं मिल जाएगी, हम घर की वापसी नहीं करेंगे।